Hi guys, welcome back to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. आज मैं करने वाली हूँ reaction video. तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने intro के बाद. जुड़े रहिए. Subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए. तो बात आज मैं करने वाली हूँ इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट की. जी हाँ, इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट की. आप लोगों ने देखा कि हमारे इंडिया के नंबर वन इन्फ्लुएंसर जो हैं, उन्होंने एक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है वरदान. जी हाँ, वरदान. ये गाना किसने रिलीज किया है? हमारे सबसे नंबर वन यूट्यूबर रोस्टर कैरी मिनाती ने. जी हाँ, कैरी मिनाती का ये जो गाना आया है, इसको सुन के काफी सारे लोगों ने रिएक्शन दिया, काफी सारे लोगों ने इस गाने का रिव्यू किया. राइट, तो हुआ क्या कि ये गाना मैंने भी सुना. ट्रस्ट मी, मैंने भी सुना. एंड आई वुड से कि बड़ा ही फ्लॉलेस बनाया है. एक साल लगे हैं. विली फ्रेंजी इनके भाई हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये गाना बनाया है. एंड ये गाना हो गया है इंडिया पे नंबर वन ट्रेंडिंग पे. ओके, इसके अलावा इसमें आ गए हैं 28 मिलियन व्यूज. कूल नो, वेरी नाइस. So, हुआ क्या कि जब मैंने ये गाना सुना तो स्पेशली एक डायलॉग आता है इसमें, एग्जाम की बकचोदी छोड़, उसके बाद की जो लाइन्स है ना, उससे आई गेस हर एक यूट्यूबर रिलेट कर पाएगा. जी हाँ, हर एक यूट्यूबर रिलेट कर पाएगा. मैंने भी रिलेट कर पाया. मैं भी बहुत इमोशनल हो गई. ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत इमोशनल हो गई. आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक. मैं इमोशनल हो गई और मैं उससे रिलेट कर पाई. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? बैठ के सोचा, थोड़ा सा चिंतन किया, थोड़ा सा मनन किया. अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ध्यान गया कि भाई इस वक्त तो इंडिया का जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से हिला हुआ है. इंडिया का ही नहीं, बाहर की कंट्रीज का भी हिला हुआ है. सारे ही अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन दिलवा रहे हैं. ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के काम भी कर रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, ट्यूशन दे रही हैं. ऐसे में एक वीडियो आता है जो इंडिया के नंबर वन इन्फ्लुएंसर का होता है, जिसपे 28 मिलियन व्यूज चले जाते हैं. मेरे इस वीडियो बनाने तक आई गेस 26 या 28 मिलियन लाइक्स व्यूज हैं उस गाने में. तो आप समझ सकते हैं, जब इस तरह से कोई इंडिया में नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है और सारे बच्चों के स्कूल बंद है और सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसे में हर एक बच्चे के हाथ में होता है एक एक गैजेट. राइट, कोई पढ़ाई कर रहा है आईपैड पे, कोई पढ़ाई कर रहा है कंप्यूटर पे, तो सबके पास बेसिकली एक्सेस है यूट्यूब का. ऐसे में रेकमेंड होता है ये गाना. ये गाना सबके सजेशन में जाता है कि आप भी देख लो, आप भी देख लो, आप भी देख लो, आप भी. मैंने भी देखा. और जो हमारे कैरी मिनाती हैं, इनके जो फैन बेस है बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं. आज के हमारे इंडिया का यूथ है जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स, जो स्कूल गोइंग किड्स है, जो कॉलेज गोइंग किड्स है, या जो कॉलेज करके खाली घूम रहे हैं, वैसे वाले लोग हैं, वॉनाबीज हैं, वो सारे इनके मेजरली उनके सब्सक्राइबर्स हैं. तो ऐसे में जब एक मैसेज इस गाने के थ्रू पास होता है कि एग्जाम की बकचोदी छोड़, तो वहां पे मेरी भी ट्यूबलाइट जली कि भाई क्या मैसेज पास हो रहा है, क्या मैसेज पास हो रहा है, गलत मैसेज पास हो रहा है. मतलब क्या हो गया? एग्जाम देना बेवकूफी है. मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ. माना मैंने कि उस गाने में एक लाइन है, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे. सो हम जानते हैं कि आप नंबर वन हो, आप यूट्यूब पे बहुत पहले आ गए थे, आप यूट्यूब पे बहुत ही कम एज में आ गए थे, आपने पढ़ाई छोड़ दी उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली जब पैसा आने लगता है दैट इज अ नीड, दैट इज अ बेसिक नीड. कोई भी उसके बाद सोचेगा कि क्यों पढ़ाई में टाइम वेस्ट करूं. लेकिन कितने लोग और आपके लेवल पर आए? बहुत ही छठे, बहुत ही कम लोग आपके लेवल तक पहुंच सके हैं. सबके अंदर वो सेम टैलेंट नहीं है. इसके बाद मैंने एक वीडियो देखा जहां पे किसी ने इन्हें रोस्ट कर दिया था, तो इन्हें बहुत बुरा भी लगा. अपनी लाइव चैट में वही अपनी सेम माँ की, बहन की, इसकी उसकी, सबकी गाली देते हुए नजर आए. और वो गाली एक लड़की को दी जा रही थी, बाय द वे. हाउ रिस्पेक्टफुल इज इट, राइट? क्योंकि जो मैंने वीडियो देखा वहां पे उसने अपनी बात बोली है, एंड आई समहाउ अग्री विद हर फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं उनसे कभी भी अग्री नहीं करती. मैं बात कर रही हूँ पायल जोन जी की. मैं उनसे कभी भी अग्री नहीं करती, बट ऑन दिस पर्टिकुलर
वीडियो आई अग्री विद हर पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम देना बकचोदी करना नहीं होता है। अब रही बात की हम अपने कैरी भैया की बात करते हैं, तो कैरी भैया आप तो इकलौते ही हो ना इंडिया में, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इकलौते हो? आपका टैलेंट है कि आप गाली बक के पैसा कमा सकते हो, लेकिन सबके अंदर वो टैलेंट नहीं है। बट आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये सारी चीजें पसंद है, तो आप समझ सकते हो कि कभी वन अभी हो सकते हैं, राइट? मैंने आपका गाना यहाँ पे इसलिए नहीं चलाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी तो आप मुझे कॉपीराइट देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके गाने की एक भी क्लिप नहीं चलाई है। और यही बोलूंगी कि इस तरह के गाने आपने, आपका गाना बहुत अच्छा है लेकिन आपने बहुत गलत टाइम पे रिलीज किया है, जहाँ पे आप हमारे पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या क्या, जितने भी लोग आके मुझे यहाँ लिखने वाले हैं कि गाना बहुत अच्छा है, तुम जलते हो, ये कर, तो उसके पहले अपने बच्चों का नाम कटा देना स्कूल से, नाम कटा देना। जो सिंगर है कैरी, अजय नागर जी ने एक चीज बहुत क्लियर की अपनी लाइफ में कि वो मैंने अपनी कहानी बताई है, अपनी कहानी, बट उस कहानी में एक मैसेज तो है, राइट? ऐसे ही तो इन्फ्लुएंस करते हैं ना लोगों को, अपनी कहानी बता के। टाटा बिरला भी अपनी कहानी बता के ही लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या यूट्यूब परमानेंट है? आई डोंट थिंक सो, यूट्यूब इज परमानेंट। क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूं। टिकटॉक के भी ऊपर बहुत सारे स्टार्स बने, टिकटॉक हर एक गाइडलाइन फॉलो कर रहा था जो उसको करनी चाहिए दूसरी कंट्री में अपनी एप्लीकेशन चलाने के लिए। फिर क्या हुआ, टिकटॉक अचानक से बैन हो गया, उसको बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया। रीजन क्या था, कभी आप लोगों ने सोचा था कि छोटा सा वायरस आएगा जिसके कारण इतने सारे लोग जो टिकटॉक के स्टार बने हुए बैठे हैं वो एक दिन में बूम करके गायब हो जाएंगे? सेम इज द केस विद यूट्यूब, राइट? हम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में रहते हैं। अगर कोई कहता है कि YouTube अगले 25 साल तक बैन नहीं होगा इंडिया में या कहीं पे भी, तो मैं इस बात को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे जो USA के प्रेसिडेंट हैं, आज की डेट में उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके कारण वो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टोटली बैन कर दिए गए हैं। तो दुनिया में ऐसा कुछ होने में टाइम नहीं लगता, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिया बोले कि नहीं, अब हम नहीं अलाउ करेंगे YouTube को इंडिया में, YouTube इंडिया भी चला जाएगा भाई। तो ऐसे टाइम पे जब लोग इंस्पायर होके बैठ जाएंगे, नहीं भैया हमें एग्जाम नहीं देना है, हम तो यूट्यूब पे रोस्ट करेंगे या हम तो फुटबॉल खेलेंगे, तो ये गाना बड़ा ही घातक है मेरे हिसाब से। गाना अच्छा है, गाना अच्छा है पर बड़ा घातक है ना। यूट्यूबर्स तो बिल्कुल एकदम इंस्पायर हो गए और बहुत सारे लोग और भी इंस्पायर हो गए। मैं ये कहूंगी कि जिन लोग इंस्पायर बहुत ज्यादा हो गए हैं उन लोग एक काम करें, अपने अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटा दें, उसके बाद नीचे आके कमेंट करिएगा कि हाँ ये गाना बड़ा अच्छा है, तुम जलते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग पढ़ाई करते हैं ना उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि इन केस अगर वो यूट्यूब पे नहीं चले तो उनकी पढ़ाई के कारण उनको कोई नौकरी मिल जाएगी, वो चार रोटी कमा के खा लेंगे। लेकिन अगर कोई एकदम ही अंधा हो जाए, बोले नहीं भैया यूट्यूब ही भगवान है, यूट्यूब पे ही हमें सब करना है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो। पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर यूट्यूब बंद हो गया तो। भैया देख लो फिर ना बोलना कि हमने नहीं बताया था, राइट? तो मेरे हिसाब से गाना इनका बहुत अच्छा है, मेहनत इन्होंने बहुत की है, एक साल की मेहनत की है, चिल्ला चिल्ला के गाना भी गाया है, लिरिक्स अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने खुद नहीं लिखे हैं शायद, या किसी और ने लिखे होंगे। बट एक बात बताऊं, कैरी मिनाती तो एक ही है इंडिया में और दुनिया में, सारे तो नहीं बन जाएंगे आपके गाने से मोटिवेट होके, मोटिवेट होके शायद कुछ लोग यूट्यूब पे आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन सारे नहीं पढ़ेंगे। तो ये गाना मेरे हिसाब से जिस वक्त इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना हिला हुआ है उस टाइम पे इस गाने को रिलीज करना एक अच्छा डिसीजन नहीं था। और इस गाने से मोटिवेट होने वाले यूट्यूबर्स तो ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारा यूथ इंडिया का आपको देखता है, आपने जो मैसेज ये पास किया है, आई एम नॉट ओके विद दैट। क्योंकि जहां पे सरकार बोलती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वहां पे आप बोल रहे हैं पढ़ो मत, जो अच्छा लगे वो करो। आप अगर इसी चीज को बोलते कि अपने पैशन के लिए भी आप लगे रहो तो ये एक सही मैसेज होता, लेकिन सीधे सीधे ब्लंटली बोल देना कि एग्जाम की बकैती बकचोदी या व्हाटएवर, आई डोंट थिंक इज अ गुड मैसेज, एंड हेंस आई डू नॉट सपोर्ट दिस सॉन्ग। और जितने लोग हेट कमेंट करने वाले हो ना नीचे आके, बोलो गाली किस स्टाइल में खाओगे, किस स्टाइल में खाओगे, कैरी भैया के स्टाइल में खाना चाहोगे या फिर
कमेंट करो, लेकिन अपने बच्चे का स्कूल से नाम कटवा देना उसके पहले, तब तो मैं मानूंगी कि आप मोटिवेट हुए हो, बिकॉज अदरवाइज आप मोटिवेट नहीं हुए हो, क्योंकि इनके हिसाब से सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए, सारे बच्चों कंप्यूटर उठा करके दूसरों को, लड़कियों माओं बहनों को सबको गाली देनी चाहिए और उससे पैसा कमाना चाहिए, और वही तो ट्रेंडिंग है इंडिया में। इंडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है सही जो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने उठाई थी इंडिया की आज ट्रेंडिंग लिस्ट, और उधर से उठाया था इस सॉन्ग मैंने। आपसे मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही जल्दी मैं वापस आ रही हूँ दीदुओं के ऊपर भी, क्योंकि मैं उनको भूल थोड़ी सकती हूँ यार, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, यू सी। सो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।